हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अ हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करेंगे रिगार्डिंग मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, और उसमें हम हमारी प्यारी राधा रानी के भी मैसेजेस लेंगे साथ में। ओके, बिकॉज़ ये दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और जब बात आती है लॉर्ड कृष्णा की, तो हम सबका रिलेशन उनके साथ जो है काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट है। कोई उन्हें अपना फ्रेंड मानता है, कोई उन्हें अपना प्रेम मानता है, कोई उन्हें अपना भाई मानता है, कोई उन्हें अपना गुरु मानता है। बट जो भी रिलेशन आप मानते हो, जो भी आपका उनसे एक दिल का कनेक्शन है, आज वो आपको गाइड करने आए हैं कि वो आपको आपकी लाइफ के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको एडवाइस देना चाहते हैं। सो आज का वीडियो है इस रिगार्डिंग होने वाला है मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, और आप सबको जय श्री कृष्णा फ्रॉम माय साइड। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, लेट्स गो फॉर इट। ओके गाइस, चलिए हम देखते हैं आपके मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड राधा माँ, दोनों ही आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी लाइफ के लिए। पहला कार्ड आपके लिए आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा आया है द मैजिशियन, थर्ड इज द थ्री ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द जस्टिस, देन वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव दिस नाइन ऑफ सोर्ड्स। यू नो, यहाँ पे जो मुझे एक मैसेज जो आपके लिए एक लाइक बहुत ही लाउडली सुनाई दे रहा है, वो ये है कि नो योर वर्थ और अपना टैलेंट पहचानो, जो कि आप नहीं पहचान पा रहे हो। आप अभी भी इस डिप्रेसिंग एनर्जी में हो, थ्री ऑफ सोर्ड्स, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपका मजाक बनाया है, राइट? आप जहाँ सही थे वहाँ पे आपको रॉन्ग प्रूफ करा है, और आपको बहुत अकेला छोड़ दिया है लाइफ में। जिन पे भी आपने ट्रस्ट करा, उन सब ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, दुख दिया है, दर्द दिया है, या ओवरऑल जो सिचुएशंस हुई हैं आपकी लाइफ में, उसने भी आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक जो है एकदम मतलब रुला दिया है। कि एक जो है ना पर्सन बहुत ही परेशान, इसका कोई भी नहीं है, एक बहुत ही हेल्पलेस पर्सन, राइट? लेकिन यहाँ पे एक नया सूरज भी निकल रहा है, एक नई होप भी आ रही है आपके लिए। ओके, आप हमेशा उस जस्टिस की डिमांड करते रहे हो डिवाइन से, कि आपने अगर गलत नहीं करा तो आपके साथ गलत क्यों हुआ है, और आपको इतना कुछ क्यों सहना पड़ा, राइट? लेकिन लॉर्ड कृष्णा ने भी कितना कुछ सहा है, राइट? और जितने भी हमारे जो जिनको जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उन सब की एक जर्नी जो रही है वो इजी नहीं रही है, उसमें भी एक चैलेंज आया है। लेकिन चैलेंज से क्या हुआ कि एक वो स्ट्रांग बनते गए, राइट? तो आपकी लाइफ में भी चैलेंज इसलिए आता कि आप स्ट्रांग बनते जाओ, आपको रियलाइज करवाने के लिए कि कौन अपना है, कौन पराया है। और जब एंड में जब हम एनालाइज करते हैं ना, तो हमें ये समझ में आता है कि कोई भी अपना नहीं है, राइट? सिवाय ऊपर वाले के कोई भी अपना नहीं है। तो आपका कनेक्शन जो है उनके साथ स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी तो लोग आते जाते रहते हैं लाइफ में। दीज आर ऑल टेम्प्ररी फेजेस ऑफ लाइफ। तो जो आप जस्टिस डिमांड कर रहे हो कि आपने इफ गलत नहीं करा तो वाई इट हैपेंड विथ यू, तो उसका जस्टिस मिलेगा आपको, उसका रीजन मिलेगा आपको। या जो कर्म करे हैं आपने अच्छे, वो अच्छे कर्म का रिजल्ट अब आपको मिलेगा। जितना सहना था, जितना रोना था, आप रो लिए, हर्ट हो लिए, और अच्छा हुआ कि ये फेज आया आपकी लाइफ में। एटलीस्ट मतलब आपकी आंखें खुली, आपको समझ में आया कि ठीक है, अब मतलब इतना डिपेंड नहीं रहना चाहिए दूसरों के ऊपर, या इतना भी किसी के लिए इतना भी इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि एंड में वो पर्सन आपका दिल तोड़ दे, राइट? या इतना भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करो। यहाँ पे जब लवर्स की बात नहीं हो, यहाँ पे कोई भी हो सकता है वो पर्सन, कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, राइट? या आपको आपका वर्स्ट फेज दिखाया ताकि आपको आपकी इंटरनल पावर्स मालूम चले, आपको मालूम चली वो,
लेकिन अब जो फेज ला रहे हैं लॉर्ड कृष्णा, वो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल फेज आ रहा है, पर वो आपसे कह रहे हैं कि प्लीज अपने टैलेंट्स को और अपनी पावर को पहचानिए, आप एक मैजिशियन हो, आप एक क्रिएटर हो, आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो अपनी जिंदगी में, आपके पास कुछ टैलेंट है, कुछ कुछ तो है आपके अंदर ऐसा जो आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है, राइट? आपके अंदर कोई कोई ऐसा हिडन टैलेंट है जो आप नहीं पहचान पा रहे हो, कुछ ऐसी कला है या कुछ आपका ऐसा करने का मन है जो आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है लाइफ में, लेकिन आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो बिकॉज यू आर टू बिजी टू क्राई, राइट? तो आप ना लाइक रो रहे हो और अब परेशान हो, पास्ट के बारे में सोचे जा रहे हो, राइट? एंड यहाँ पे इट्स लाइक यू नो द मैजिशियन इज शोइंग कि यू हैव द टैलेंट, यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द रिसोर्सेज। सो लॉर्ड कृष्णा ये कह रहे हैं कि प्लीज अपने इस टैलेंट को या अपने ऊपर वर्क करो प्लीज, राइट? मैजिशियन कार्ड यहाँ पे ये अपने आप में इन्वॉल्व है, इसके पास सब कुछ है, ये अपना खुद मैजिक क्रिएट कर रहा है यहाँ बैठ के, इसके पास इसको किसी और की जरूरत नहीं है। तो आप में जो कैपेबिलिटीज है, जो जो एक एक टैलेंट है या आपके अंदर जो एक एक क्षमता है टू डू हार्ड वर्क और टू क्रिएट समथिंग मैजिकल, वो आपको एक गॉड गिफ्टेड है और आपको उसका यूज करना चाहिए, राइट? आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में ही जाना है, जहाँ भी आपका इंटरेस्ट हो, राइट? जहाँ भी आपका दिल कहता है, इंट्यूशन कहता है कि यू नीड टू फॉलो दैट पाथ, वो पाथ आप फॉलो करिए बिकॉज यू आर मैजिशियन। आपने अब तक अपनी पावर्स पहचानी कहाँ आएंगी, आप कितना आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, राइट? और जो लोग अभी आपका मजाक उड़ा रहे हैं, जो लोग अभी आपके आपको नहीं समझ पा रहे, वही लोग आएंगे आपके साथ सेलिब्रेट करने भी, जब आपको वो लाइफ में उस लेवल पे देखेंगे ना, तो अच्छे टाइम में तो सब आ जाते हैं, बुरे टाइम में तो कोई नहीं आता है, तो वही है। बट नाउ यू हैव दैट नॉलेज कि कौन अपना है, कौन पराया है, राइट? और थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे आया कि आपका जो भी आइडिया है, जो भी पोटेंशियल है, उसके ऊपर वर्क करो, बिकॉज वो चीज़ ना आपको बहुत प्रॉफिट देने वाली है, आपका बहुत एक्सपेंशन होने वाला है, आप कुछ ना कुछ मैजिकल क्रिएट करने वाले हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर जाओगे ना कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, मतलब सब दिखते रह जाएंगे कि आप कहाँ थे और आप कहाँ पहुँच गए, राइट? तो अपने आप को थोड़ा बाहर निकालो इस फेज से अपने आप को, और जो जस्टिस है ना, जो कर्मा है, वो तो छोड़ दो ऊपर वाले पे, राइट? बिकॉज वो लॉर्ड कृष्णा कह रहा है कि मैं संभाल रहा हूँ सब कुछ, ओके, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ जिसने गलत करा है मुझे दिख रहा है, लेकिन वक्त आने पे ही वो कर्म का फल दिया जाएगा, राइट? तो वैसे भी जैसे कि महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो जब जो भी गलत हुआ द्रौपदी के साथ, तो हैंड टू हैंड तो वो नहीं मिला रिजल्ट, ठीक है, लेकिन बाद में इतने टाइम बाद एट द एंड डिफीट किसकी हुई, राइट? और एंड में विनर कौन हुआ, वो आप सबने देखा है। तो जिसके साथ लॉर्ड कृष्णा है, भले ही चैलेंजेस भी आए उनकी लाइफ में, राइट, लेकिन एंड में विनर कौन थे वो आपको पता है कि पांडवाज वर द विनर, राइट? तो आपको ये चीज जानती है, अगर लॉर्ड कृष्णा है, उनका साथ है आपके साथ, तो एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आज के 1 साल बाद भी, आप ही विनर बनोगे, ओके? क्योंकि जो हमारे लाइफ में चैलेंजेस जो आ रहे हैं, वो हमारे पहले के कुछ बुरे कर्म रहे हैं, उस करके वो आ रहे हैं, तो वो हमें फेस करने ही पड़ रहे हैं। बट हाँ, हम थोड़ा सा इन्वॉल्व होके इन स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट होके, हम उन तो उनको हम उन बड़े बैड कर्मास को हम छोटे बैड कर्मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी हमें भोगना तो पड़ता ही है, उससे हम नहीं भाग सकते हैं, राइट? तो जिन्होंने आपके संग गलत करा है, उनके साथ भी उनका जो कर्मा है, वो उनको टाइमली मिलेगा और आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा, आप सेलिब्रेट करोगे और वो लोग फिर रोएंगे, जो अभी ऑपोजिट वो आपको रुला रहे हैं, तो फिर वो लोग रोएंगे, ओके? सो फोर ऑफ वॉन्ड शोइंग कि लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग फॉर यू इन योर लाइफ, बस अपने आप को पहचानो तो सही, अपनी पावर्स तो पहचानो, वो ये कह रहे हैं आपसे, और वो आप अभी नहीं समझ पा रहे हो कि आप कितने स्पेशल हो, आप में कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं कि आप कितनी ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। हम यहाँ पे राधा माँ के भी कुछ मैसेजेस ले लेते हैं। वी हैव द एम्परर, वी हैव द टेम्परेंस, टू ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द फूल। इस कंफ्यूजन से बाहर निकल जाओ, जो कंफ्यूज हो ना जिस चीज़ के रिगार्डिंग आप इस टाइम की, मैं ये काम करूँ ना करूँ, ये सही है गलत है, और दूसरों की सुन रहे हो, उस कंफ्यूजन से बाहर निकलो, पट्टी हटाओ अपनी आंखों से और आगे बढ़ो लाइफ में, रिस्क लेना सीखो लाइफ में। एक तो आप डरते बहुत हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा लाइफ में, क्या मैं वो चीज़ करूँ ना करूँ, आई डोंट नो कुछ होगा नहीं होगा, पर एटलीस्ट आप करके
आपको ये तो रहेगा ना कि मैंने वो करी, एटलीस्ट आपको रिग्रेट नहीं रहेगा. तो आप जस्ट गो फॉर इट. इफ योर हार्ट इज सेइंग कि हाँ मुझे ये चीज़, ये पैशन, ये हॉबी या फिर ये करियर पाथ ये फॉलो करना है, देन गो फॉर इट, डू इट, टेक रिस्क फॉर दैट. एंड पेशेंस का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो पेशेंस रखो रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ योर लाइफ, कि क्या रिजल्ट आना है, क्या कर्म मिलना है, राइट, क्या होना है, क्या आउटकम आना है. आप तो अपना कर्म करिए ना. तो इनका तो लॉर्ड कृष्णा ने तो बोला भी कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो. तो यही फिलॉसफी आपको फॉलो करनी है. आप क्या टेंशन लेते हो रिजल्ट की, आउटकम की, उसने रॉन्ग करा तो उसके संग रॉन्ग कब होगा, मैंने करा तो मेरे साथ राइट कब होगा. नो, यू हैव टू कीप डूइंग योर कर्मा, ओके, बिकॉज आगे जाके आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है विद दिस एम्परर. एम्परर इज सक्सेसफुल, एम्परर की सब रिस्पेक्ट करते हैं, एम्परर के सामने फिर कोई गलत काम नहीं कर सकता है. लेकिन फिर एम्परर है तो एक जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी आती है उसके ऊपर, टू प्रोटेक्ट एवरीवन, टू टेक केयर ऑफ एवरीवन एंड टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ऑल्सो, राइट. तो ये एम्परर की ये जो क्वालिटीज़ हैं ये आपके अंदर आने वाली हैं, आपको दी जाएंगी, कि आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाया जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, बहुत ही नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग यू विल गेट. बट द जर्नी इज लाइक कि आपके ऊपर प्रेशर, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ होंगी, तो उसके लिए आपको मेंटली स्ट्रांग भी तो बनना पड़ेगा ना. तो आपको एक, अब हर्ट वाला फेज खत्म हो गया, दिल टूट गया, आप रो लिए, सब कुछ हो गया, ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू बिकम स्ट्रांग एंड सक्सेसफुल. दिस इज वॉट डिवाइन इज डिमांडिंग यू. सेवन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ कार्ड ऑफ पेशेंस. ये देखो, इस पिक्चर में ये पर्सन अपना कर्म कर रहा है, राइट. रिजल्ट क्या आने हैं वो बाद में पता चलेगा, राइट. सेवन ऑफ पेंटिकल्स तो कर्म का कार्ड है, कि यहाँ पे ये इसने अपने कर्म कर दिया, अब इसको रिजल्ट का वेट है, राइट. तो अब फल क्या आना है, फल आना है नहीं आना है वो उसके हाथ में नहीं है, वो तो ऊपर वाला जानता है. पर आपने अपना 100% दिया है, इसने इसने अपना काम 100% बेस्ट तरीके से करा है, तो आपको भी वो करना है. और अगर आप अपना काम बेस्ट वे में ही कर रहे हो तो फिर टेंशन किस बात की है. फिर तो आपको कुछ ना कुछ मतलब बेस्ट ही मिलना है, राइट. फिर तो आपके लाइफ संग कुछ गलत हो नहीं सकता. यहाँ से भी देख लेते हैं मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा. वी हैव हैप्पीनेस. आपकी जो खोई हुई मुस्कान थी, कोई भी हैप्पीनेस जो थी, वो आपको दी जाएगी फिर से, राइट. और वो हैप्पीनेस आपके अंदर ही है, आप बस उसको भूल चुके हो. पर जैसे जैसे आप लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को जान लोगे ना, अपनी अपनी वैल्यू और अपने टैलेंट की वैल्यू, तो वो हैप्पीनेस अपने आप वो बाहर निकलती जाएगी आपके अंदर से, और आपके फेस पर दिखेगी वो हैप्पीनेस. लाइट हार्टेड, केयर फ्री टाइम. अपना ना दिल एकदम हल्का रखो, टेंशन मत लो, दुनिया भर का बोझ लेके मत जियो कि ये वो उसने ये कहा और उसने वो कर दिया और ऐसा हो जाएगा. जस्ट की बी लाइट हार्टेड एंड जस्ट बी केयर फ्री अबाउट द वर्ल्ड, केयर अबाउट योर सेल्फ, वैसे जियो लाइफ में. मनी और प्रॉपर्टी थ्रो एंड इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल. तो मनी के वेज खुल रहे हैं, आप किस वे मनी आ रहा है वो तो इट्स ऑल योर डेस्टिनी. बट कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी मैटर सॉल्व हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए इनहेरिटेंस मिल रही है, कुछ लोग लॉटरी जीत रहे हैं, कुछ लोग की सडनली कोई जॉब लग रही थी तो वहाँ से मनी सोर्सेस खुल रहे हैं. तो मनी सोर्सेज ओपन हो रहे हैं आपके लिए. यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. सी लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग कि आप बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो. जो पाथ आपने चूज करा है कि क्या मैं ये काम करूँ, तो सोचो मत, उस पर लग जाओ, तो आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो. ओके, तो लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग आप बिल्कुल सही जा रहे हो. यू विल रिसीव अ गिफ्ट. सी दिस इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स. एक बॉक्स में है, बट ये क्या गिफ्ट है, ये कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होना है, क्या नहीं होना है, राइट. तो ये तो लॉर्ड जानते हैं, ये तो डिवाइन जानते हैं, बट आपको मिलेगा जरूर ये गिफ्ट राइट टाइम पे. यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कीवर्ड्स लॉर्ड कृष्णा आपको देना चाहते हैं. इंडिविजुअलिटी. सी दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द बिगनिंग, की इंडिविजुअल बनो, अपने ऊपर ध्यान दो, दूसरों का छोड़ दो. अब अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे और अपने सेल्फ पे ध्यान दो. तो आपको एज इंडिविजुअल अब ऑपरेट करना है, एज अ ग्रुप या एज अ टू पर्सन ऑपरेट नहीं करना है, इंडिविजुअल ऑपरेट करना है आपको. नेचर, कनेक्ट रहो नेचर के साथ, नेचर और अपने मदर अर्थ, उनके जितना कनेक्ट रहोगे, जितना आप बाहर रहोगे, ग्रीनरी में रहोगे, उतना आप ज़्यादा हील होते रहोगे. एंड डोमेस्टिक हार्मनी, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज अगर चल रहे हैं ना आपके,
घर में, आपके पर्सनल लाइफ में, वो जो चीज़ है ना, दैट विल बी सॉल्व. ओके, उसकी आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लो उस वजह से. वो इट्स लाइक स्टोरी ऑफ एवरी ह्यूमन बींग, ये चलता रहता है, फिर एंड में सब कुछ सही हो जाता है. एडवाइस सी द बिगर पिक्चर. येस, राइट नाउ यू आर सीइंग अ वेरी स्मॉल पिक्चर, कि जिस बहुत नेगेटिव है वो पिक्चर, बट बिगर पिक्चर, फ्यूचर की पिक्चर अगर आप देखो तो आगे के 2-3 साल बाद का अगर आप अपना वर्जन देखो तो वो उसको बड़े सेंस में देखो कि आपको कहाँ पहुँचना है, क्या करना है लाइफ में, वो उस तरह से ऑपरेट करो. क्लियर योर माइंड, येस, क्लियर कर दो जो भी पास्ट टॉक्सिक इवेंट्स, टॉक्सिक जो बातें हैं वो सब निकाल दो. क्लियर, एकदम फ्रेश न्यू बिगनिंग लो अपनी लाइफ में, सब कुछ क्लियर कर दो. बी हम्बल, येस, द थिंग इज टू बी हम्बल. लाइक लॉर्ड कृष्णा को भले ही कोई, उनको दिखता भी था कि कोई पर्सन रॉन्ग कर रहा है, लेकिन वो उनके फेस पे स्माइल और वो हम्बलनेस वो हमेशा रहती थी. तो दिस वी हैव टू अप्लाई इन आर ओन लाइफ, बी रियल. यस, आप अभी तक ना फेक बन रहे हो लोगों के अकॉर्डिंग, आप फेकनेस दिखा रहे हो कि वो मैं ऐसे कर लूँ तो वो पर्सन खुश हो जाएगा, मैं ये कर दूँ तो वो खुश हो जाएगा. यू आर लिविंग फॉर अदर्स, बट बी रियल. वॉट योर हार्ट डिजायर्स, वॉट योर इंट्यूशन सेज, डू दैट. लास्ट मैसेजेस, क्रिएट स्पेस फॉर न्यू लव. ये सिर्फ लव रिलेशनशिप वाला न्यू लव नहीं है, दिस इज समथिंग दैट यू लव, लव करना चाहते हो लाइफ में, जिसमें आपका मन लगता है वो अब आ रहा है आपकी लाइफ में. बिकॉज वो जो काम करना है आपको लाइफ में, उससे आप प्यार ही तो करते हो. किसी को अगर डांसर बनना है तो उसको डांस से प्यार है, तो वो उसका प्यार है, राइट, डांसिंग, तो वो आपकी लाइफ में आ रहा है, तो उसके लिए स्पेस क्रिएट करिए. फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी अ न्यू पर्सन कमिंग इन योर लाइफ, योर ट्रू सोलमेट. बी ट्रू टू योर सेल्फ, येस, अपने आप से सच बोलो ना, अपने आप को, मतलब अपने आप से झूठ मत बोलो. आप अपने आप को फेक कर रहे हो अभी, कि आप किसी को खुश करने के लिए आप फेक बन रहे हो. नो, डोंट डू दैट, बी ट्रू टू योर सेल्फ. यू, इफ यू वॉन्ट टू डू सर्टेन थिंग इन योर लाइफ, बी ट्रू कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है. लव इन स्पाइट ऑफ ऑल, सो ऑलवेज रेडिएट लव अपने अंदर से. लव करो सबसे इन स्पाइट ऑफ ऑल, चाहे किसी ने कितना भी रॉन्ग करा है, डोंट स्टॉप लविंग दैट पर्सन, जस्ट गिव योर रिस्पेक्ट एंड लव दैट पर्सन. बाकी उसका जो कर्म है वो उसको मिल ही जाएगा एट द एंड ऑफ द डे. वाओ, सी, हम कब से कर्मा कर्मा कर रहे हैं और एंड में कर्मा का कार्ड से ही रीडिंग एंड हो रही. कर्मा इज ऑन योर साइड. सी कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि कर्म तो आपकी तरफ ही है, आप ही विनर हो गए एंड में. आपका जो अच्छे कर्म है उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा. सो कर्मा इज ऑन योर साइड. सो डोंट वरी, डोंट थिंक नेगेटिव कि आपके संग गलत हो रहा है और आपको कुछ लॉर्ड देख नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं. वो देख रहे हैं, इट्स लाइक राइट टाइम का वो वेट कर रहे हैं, राइट. तो कर्मा इज ऑन योर साइड, सो वेट फॉर दैट टाइम. एंड यू नो आपका बहुत ब्यूटीफुल फेज स्टार्ट होने वाला है लाइफ का, सो जस्ट इंजॉय दैट. ओके, जस्ट वर्क फॉर दैट. सो ओके, सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा एंड राधा माँ. एंड आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो फ्रॉम आर कृष्णा एंड राधा. सो ओके गाइज, सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू. बाय, टेक केयर.